संपूर्ण विश्व को श्रद्धा और सबूरी का मंत्र देने वाले हमारे सद्गुरु साईनाथ महाराज, उनकी पावन नगरी शिरडी से मैं सचिन तांबे आप सबको ओम सायराम करता हूँ। आपको सबको पता ही है कि साई बाबा की कहानियाँ, साई बाबा के साक्षात्कार और साई बाबा के लीलाओं से हम वाकिफ है, लेकिन आज मैं आपको शिरडी की कोई कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ऐसी एक अनोखी और दिलचस्प बात बताऊंगा कि जहां पर जो मृत संजीवन इस मंत्र को जहां पर उच्चारा गया, कौन सी है वह जगह, किसने सबसे प्रथम इसका उच्चारण किया और क्यों किया, ऐसी कई दिलचस्प बातें मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। बस शिरडी से 14 किलोमीटर के दूरी पर है वो जगह। आइए चलिए मेरे साथ। शिरडी से निकलकर हम लोग अब लगभग 10 किलोमीटर आ चुके हैं। ये ऐसी चौपुली है जहाँ पर रुकना जरूरी था, क्योंकि मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो आप यहाँ से संभाजीनगर यानी औरंगाबाद जाओगे, और मेरे सामने अगर जब देखोगे तो यहाँ से आप नासिक जाओगे, और मेरे पीछे ये जो हाईवे है ये है नगर मनमाड़ हाईवे, और जहाँ पर सबसे पहले मृत संजीवन मंत्र का उच्चारण किया ऐसी जगह बस थोड़ी दूरी के अंतर पर है। आइए चलते हैं। अभी मैं इस ऐसी जगह पे खड़ा हूँ, यहाँ से बस 100 मीटर की दूरी पर वो स्थान है जहाँ पर मृत संजीवन मंत्र का उच्चारण किया गया। मित्रों, इस जगह पे आने के लिए आप प्राइवेट कार से आ सकते हो, कैब से आ सकते हो, या अपने खुद की कार से आ सकते हो, साथ ही साथ आप महाराष्ट्र की जो शासन की जो बस है उससे भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आते हो तो ये जो सामने कमान दिख रही है वहाँ से आपको अंदर जाना पड़ेगा। बस वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर वो मृत संजीवन विद्या जहाँ पर उस संजीवन विद्या का जहाँ पर उच्चारण किया गया वो वहाँ पर जगह है। इसलिए इस जगह का या इस सकारात्मक ऊर्जा का स्थान देखने के लिए हमें बस 100 मीटर अभी चलना है या अपने कार से जाना है।
साईं बाबा की शिरडी से लगभग 14 किलोमीटर का फासला हम लोग तय कर यहाँ पर आज पहुँचे हैं। लगभग 9 मील का फासला हम लोग ने यहाँ पर पार कर चुके हैं और वही उसी जगह पर आए हैं जहाँ पर हमें पहुँचना था। कि जो भी मैंने पढ़ा है उसमें मुझको ऐसा लगा कि ये बहुत ही बड़ा घना जंगल था और यहाँ पर दिलचस्प ऐसी बात है कि पृथ्वी की सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा इसी प्लेस पर पड़ती है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा या बताना चाहूँगा वो भी बड़ी दिलचस्प है कि ये जो गोदावरी नदी है वो उस वक्त 12 महीने पानी से बहती थी और इसीलिए शायद शुक्राचार्य जी ने ये जगह चुनी और यहाँ पर मृत संजीवनी विद्या का यहाँ पर उन्होंने साधक बन गए और यहीं पर उसका उच्चारण किया। हालांकि ये तो हो गई पुरानी कथा या ये आख्यायिका हो गई, लेकिन ये यहाँ पर मैं आपको एक शिलालेख दिखाना चाहूँगा कि ये 16वीं सदी का है। हालांकि अभी वो शूटिंग में ठीक से आएगा कि नहीं मेरे को पता नहीं, बट राघोबा दादा थे जिन्होंने ऐसी कई जो पुरानी वास्तुएं थी उनको यहाँ पर ठीक करने का काम किया था, तो उसमें से ये भी एक जगह है जहाँ पर राघोबा दादा उन्होंने इस संजीवन पार्क का यहाँ पर जीर्णोद्धार किया है। हालांकि ये सारी जानकारी मैंने आपको बताई है, लेकिन प्रमाण के साथ अगर हमें इसको जानना है या इसको समझना है तो वैभव महाराज जी जो कि आज हमारे साथ है, हम लोग उनसे जानेंगे क्या है मृत संजीवन विद्या का राज, क्यों यहाँ पर उसका सबसे पहले उच्चारण होगा, क्या है इसके पीछे इतिहास। गुरुजी तो मुझे आप बताइए कि संजीवन पार्क क्या है, क्या है इसके पीछे रोचक तथ्य, क्यों शुक्राचार्य जी यहाँ यहीं पर आए और यहाँ पर उन्होंने उस मृत संजीवन विद्या का उच्चारण किया, ये हमें जानकारी आपसे सुनने में बड़ा आनंद होगा, तो आप मुझे समझाइए कि ये संजीवन पार्क क्या है। सचिन जी, सबसे पहले मैं शुक्राचार्य की इस भूमि में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। यह भूमि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की है और इसका प्रमाण हमें महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। इसके पीछे बहुत अद्भुत एक कथा है। यह भूमि है एक मंत्र की जन्मभूमि है, यह भूमि एक प्रेम कहानी भी है यहाँ पे जुड़ी। अच्छा। दैत्य और देवता इनमें अक्सर लड़ाई इस त्रैलोक्य पे आधिपत्य स्थापित करने के लिए होती रहती थी। कभी देवताएं जीत जाते थे, कभी दैत्य जीत जाते थे, लेकिन सारे दैत्यों ने मिलकर महान तपस्वी भृगु ऋषि के पुत्र शुक्राचार्य को अपना गुरु पद दे दिया और शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु बन गए। मतलब सारे दानवों ने मिलकर उनको ये पदवी दी, उन्हें चुना। ओके। हाँ। उन्हें गुरु अपना चुना, उन्हें गुरु पद दिया। बिल्कुल। और गुरु का दायित्व होता है कि वो शिष्य की रक्षा करे। बिल्कुल। उसके लड़ाई में उसकी जीत जाने की सारा दायित्व अपने गुरु पे होता है, अपने शिष्य को वो ज्ञान भी देते हैं। तो दैत्यों को लड़ने का ज्ञान देते थे, देवताओं को कैसे मारे कैसे हराए सारा ज्ञान वो देते थे। लेकिन एक सबसे अद्भुत शक्ति शुक्राचार्य के पास थी, वो थी मृत संजीवनी मंत्र की विद्या। मृत संजीवनी विद्या, इस नाम में ही हमें पता चलता है कि इस मंत्र का अर्थ क्या है, इस मंत्र का प्रभाव क्या है। मृत माने मरा हुआ और संजीवन, सन मतलब पुनः, जीवन मतलब उसे जीवित करना। तो इस मंत्र से मृत व्यक्ति को फिर से जीवित करने का कार्य यह शुक्राचार्य जी करते थे। तो इस लड़ाई में होता ऐसा था कि देवता मर जाते थे और दैत्य भी मर जाते थे, लेकिन शुक्राचार्य जी अपने इस मंत्र के प्रभाव से अपने दैत्यों को फिर से जीवित करते थे। इसलिए
इस लड़ाई में दैत्यों की संख्या ज्यों की त्यों बनी रहती थी, लेकिन देवताओं की संख्या कम होती रहती थी, इसलिए देवताओं की शक्ति भी कम होती रहती थी और अक्सर देवता इस युद्ध में हारते थे। तो सारे देवताओं ने मिलकर चर्चा की कि अब इसके बारे में क्या किया जाए। तो सारे देवता भगवान शिवशंकर के पास गए, तो शिवशंकर जी ने जो उपदेश किया तो उसमें ये कहा कि आप भी शुक्राचार्य की तरह किसी प्रभावी देवता को अपना गुरु चुने। अच्छा, तो अंगिरा ऋषि के पुत्र बृहस्पति को सारे देवताओं ने अपना गुरु चुना। बृहस्पति बहुत ज्ञानी थे, करेक्ट। तो उनके ज्ञान के निर्देशन में वो लड़ाई करते थे, लेकिन बृहस्पति में एक कमी थी। अच्छा, बृहस्पति के पास ये संजीवनी विद्या नहीं थी। अच्छा, इसलिए वो देवताओं को फिर से जीवित नहीं कर पाते थे। अच्छा, तो इसके कारण देवताएं हारते जा रहे थे। अच्छा, और सारे ब्रह्मांड में दैत्यों का राज होने लगा। बृहस्पति ने कहा कि हमें भी मृत संजीवनी विद्या सीखनी चाहिए। अच्छा, लेकिन सीखेगा कौन, क्योंकि शुक्राचार्य के पास शिष्य बनकर जाना पड़ेगा और शिष्य के पास उतनी विनम्रता होनी चाहिए, उतना संयम होना चाहिए, उतना सेवा भाव होना चाहिए, ये किस में होगा। तो बृहस्पति को याद आया कि ये सारे गुण मेरे लड़के में हैं। उनके अच्छा। लड़के का नाम था कच्छ, जिसे कच्छदेव कहा गया। तो कच्छदेव को बुलाया और बृहस्पति ने कहा तुम दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाओ और उनसे मृत संजीवनी विद्या सीख लो। तो पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए कच्छ जिस भूमि में आया मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए, वह भूमि ये है। अच्छा, मतलब कच्छदेव जी आए और उनकी हिम्मत को भी मानना पड़ेगा उस वक्त की, मतलब दानवों के जो गुरु है उनके पास जाकर ये विद्या सीखना, मतलब ये बहुत ही बड़ी बात उस वक्त हो गई। मतलब उस वक्त भी सच्चाई जानने के लिए या बुराई यहाँ पर ख़त्म करने के लिए उस वक्त भी अच्छे लोग थे जो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। बिल्कुल। और सचिन जी, हम जिस भूमि में बैठे हैं इस भूमि को बेड भी कहते हैं। बेड कहते हैं। अच्छा, तो आपने सुना होगा इसको बेड कहते हैं। तो बेड क्यों कहते हैं, गंगा हमारे देश में सबसे पवित्र नदी है। करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो गंगा है इसको दक्षिण गंगा कहते हैं, इसका नाम है गोदावरी। गोदावरी। तो गोदावरी के दक्षिण तट पे हम बैठे हैं और उस जमाने में यह जो गंगा आज गोदावरी बह रही है ये यहाँ तक बह रही थी। बिल्कुल। और इसके चारों तरफ जल था, चारों तरफ ये नदी बह रही थी और बीच में यह भूमि का एक टुकड़ा था और चारों तरफ जल और बीच में भूमि, तो ऐसे भूमि को बेट कहते हैं। आइलैंड जैसे। तो ये बेट है और यहाँ पे शुक्राचार्य जी का आश्रम था और ऐसे आश्रम में कच्छ आए। कच्छ ने विनम्रतापूर्वक उनको प्रणाम किया और कहा कि मैं आपसे मृत संजीवनी विद्या सीखना चाहता हूँ। कच्छदेव आए तो उन्होंने अपना परिचय दिया। कच्छदेव ने कहा कि मैं अंगिरा ऋषि का पौत्र और बृहस्पति का मैं पुत्र हूँ। तो शुक्राचार्य को थोड़ा सा अभिमान हुआ, थोड़ा सा ईगो उनको उनका जागृत हुआ कि मेरा जो प्रतिस्पर्धी है, देवताओं का गुरु है बृहस्पति, उसका लड़का मेरे पास आया है विद्या सीखने के लिए। इसका मतलब मैं देवताओं का गुरु बृहस्पति से श्रेष्ठ हूँ। करेक्ट। और अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए उसने कहा ठीक है तुम आश्रम में रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो मैं तुमको इस मृत संजीवनी विद्या का दीक्षा दूंगा। तो कच्छ अपने गुरु शुक्राचार्य की सेवा करने लगा। यह गुरु शिष्य की भूमि है, वैसे यह प्रेम की भी भूमि है। अच्छा, देखिए शुक्राचार्य की एक लड़की थी जिसका नाम था देवयानी। अच्छा, देवयानी हर रोज कच्छ को देखती थी। कच्छ का स्वभाव बहुत अच्छा था। अच्छा। कच्छ का गुण बहुत अच्छा था। कच्छ सद्गुणी था। कच्छ बहुत अच्छा सेवा करता था, उसका ब्रह्मचर्य का पालन वो बड़ी लगन से करता था। तो उसके ये सारे गुण देखकर वह कच्छ की तरफ आकर्षित हो गई। अच्छा, और उसके मन में कच्छ के प्रति प्रेम पैदा हुआ। पैदा हुआ जी। तो मन ही मन वो एक तरफा प्रेम कर रही थी। तो जिस दिन कच्छ गौवे चराने गया, शाम को गौवे वापस आ गई लेकिन कच्छ नहीं आया, तो वो रोने लगी कच्छ कहाँ गया, उसे वो ढूंढने लगी। अच्छा। तो अपने पिताजी को कहा पिताजी आप कुछ कीजिए, कच्छ नहीं आ रहा है। अच्छा। कच्छ कहाँ गया।
तो शुक्राचार्य जी कच्छ को ढूंढने के लिए इसी जंगल में गए। आप यहाँ सामने जंगल देख रहे हो, इसी जंगल में गए और उन्होंने एक देखा, कच्छ नहीं मिला लेकिन कच्छ का शव मिला। अरे कच्छ मरा पड़ा था, लेकिन उन्होंने कच्छ को जीवित किया मृत संजीवनी विद्या के द्वारा। क्या बात, कच्छ जीवित हो गया, कच्छ को वो वापिस ले गया। देवयानी बड़ी खुश हो गई। दैत्यों को दैत्य बड़े अचंभित हुए कि इस बार हम असफल हुए, हम कच्छ को मार नहीं पाए, अब हम दूसरी बार प्रयास करेंगे। तो एक बार कच्छ पूजा के लिए फूलों का चयन करने के लिए जंगल में चले गए और फूल तोड़ने लगे। तो वहाँ पे दैत्य आए और दैत्य ने कहा इस बार हम और ज़बरदस्त चाल चलेंगे। उन्होंने कच्छ को मार डाला और कच्छ की बोटी बोटी कर डाली। अच्छा, सारी हड्डियाँ तोड़ दी, सारे अवयव तोड़ दिए, हाथ पैर तोड़ दिए और एक भेड़ियों को खिला दिए। तो इससे उन्हें लगा कि अब कच्छ नहीं बच पाएगा। तो इस बार भी शुक्राचार्य गए, उस भेड़ियों को उन्होंने ढूंढ लिया अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा। उन्होंने कच्छ भेड़ियों के पेट में जो कच्छ है, उसके कच्छ के जो शरीर के अवयव है, वो सारे वापस बाहर निकाले और मृत संजीवनी विद्या के द्वारा उसके अवयव को फिर से जोड़ दिया और कच्छ को दोबारा जिंदा कर दिया। अच्छा, मतलब कच्छ को कई बार ये राक्षसों ने यहाँ पर मारने का प्रयास किया जिसमें वो लोग असफल रहे। वो सिर्फ मृत संजीवनी विद्या के कारण। अच्छा, तो दैत्य फिर एक बार हैरान हो गए कि यार हमारे गुरु तो बार बार उसे जिंदा कर रहे, अब हम क्या करें। तो इस बार उन्हें और एक चाल चली कि जो चाल उनके गुरु शुक्राचार्य को भी पता नहीं चली। अच्छा, उन्होंने क्या किया, जंगल में कच्छ को मार दिया और कच्छ के शव को जला दिया। अच्छा, और उसके शव की जो राख है, भस्म है, उसको जल में डालकर अपने गुरु को पिला दिया। देखिए, गुरु को मतलब शुक्राचार्य जी को पिला दिया। सचिन जी, देखिए ये सारे दैत्य हैं और अपने गुरु को किसी के शव की राख पिलाना कितना बड़ा पाप है, लेकिन दैत्य कर सकते हैं। दैत्य कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कर दिया वो, और ये शुक्राचार्य को पता नहीं चला। लेकिन देवयानी तो प्रेम में पागल थी। दो दिन हो गए कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन योग विद्या के द्वारा शुक्राचार्य जान गए कि वो राख के रूप में हमारे पेट में ही है। देखिए, गुरु शिष्य का नाता कैसा होता है। सचिन जी, हमारे देश में गुरु शिष्य की बहुत बड़ी परंपरा है। बड़ी पवित्र परंपरा है। शुक्राचार्य ने कहा, देवयानी तेरा प्यार देखकर मुझे भी लग रहा है कि मैं अब फिर से एक बार कच्छ को जीवित कर दूं। लेकिन बात ऐसी है कि कितनी बार दैत्य मारेंगे और कितनी बार मैं उसे जीवित करता रहूँगा, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है, बार बार ये हो रहा है, कुछ और करना चाहिए। तो देवयानी ने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप मृत संजीवनी विद्या मुझे सिखा दीजिए। अच्छा, तो आपको जीवित नहीं करना पड़ेगा, मैं ही जीवित कर लूंगी। मतलब कच्छ जो चीज सीखने के लिए आए थे वो देवयानी ने मांग ली जी। तो शुक्राचार्य बोले ठीक है, लेकिन इस मृत संजीवनी विद्या को भी एक शाप था। ये षटकर्णी विद्या है। षटकर्णी विद्या मतलब एक साथ अगर 6 कानों ने इसे सुन लिया तो यह मृत संजीवनी विद्या किसी काम की नहीं। लेकिन लड़की की जिद के आगे शुक्राचार्य का कुछ नहीं चला और उसने अपनी लड़की को वो मृत संजीवनी विद्या सिखा दी। लेकिन जब वो सिखा रहे थे, उसी वक्त पेट में जो कच्छ है उस कच्छ ने वह विद्या सीख ली और यहाँ पे 3 लोग 6 कान हो गए और निष्प्रभाव हो गए। हो गया यह मंत्र, निष्प्रभाव हो गया। लेकिन उससे एक बात और हुई। देखिए, गुरु शिष्य का नाता कैसे होता है। शुक्राचार्य को मालूम था कि यह मंत्र सुनने के बाद कच्छ जिंदा हो जाएगा और कच्छ बाहर आएगा, लेकिन कच्छ को मेरा पेट फाड़ कर बाहर आना पड़ेगा, उसके लिए मुझे मरना पड़ेगा। लेकिन लड़की की जिद और शिष्य की रक्षा, इसलिए गुरु ने वो आवाहन स्वीकार कर लिया और ऐसा ही हुआ। कच्छ जिंदा हो गया, कच्छ शुक्राचार्य का पेट फाड़ कर बाहर आ गया। लेकिन शिष्य ने भी गुरु के प्रति जो अपना दायित्व है वो पूरा किया। उसने भी ये नहीं सोचा कि ये दुश्मन है, ये शत्रु है, इसे ऐसे मरा पड़ा रहने दे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शत्रु भी है लेकिन वह
अपना गुरु है, इसलिए उसने उसी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा अपने गुरु को भी फिर से जिंदा कर दिया। बिल्कुल। अब कच्छ भी जिंदा है, देवयानी भी है और शुक्राचार्य भी जिंदा है, लेकिन जिंदा नहीं है वो मृत संजीवनी मंत्र, उसका कोई प्रभाव नहीं है। देवयानी ने अब इजहार कर लिया अपने प्यार का, उसने कहा कि तुम मेरे साथ शादी कर लो, लेकिन कच्छ ने कहा कि तेरे पिता के पेट से मैं जन्मा हूं, तो तेरे पिता मेरे पिता हो गए, इसलिए तू मेरी बहन हो गई। अच्छा। तो तुझसे मैं शादी नहीं कर सकता। अच्छा। इसका गुस्सा आया, इससे देवयानी क्रोधित हो गई और क्रोध में उसने शाप दे दिया, मृत संजीवनी मंत्र तूने सीख लिया है लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तू उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। जब तक तिरस्कार था तब तक ठीक था, लेकिन काम आवेग में आकर जो क्रोध तूने किया है इसके कारण मैं भी तुम्हें शाप देता हूँ, ऐसा कच्छ ने कहा और कच्छ ने भी देवयानी को शाप दिया। तो यह ऐसी भूमि है, यहाँ से मृत संजीवनी मंत्र का जन्म हुआ, यहाँ पे वह मृत संजीवनी मंत्र अपने शिष्य को दिया गया लेकिन उससे वो छीना भी गया। ऐसी यह एक अद्भुत भूमि है, पवित्र भूमि है, मृत संजीवनी विद्या सारे विश्व में यहीं पर उसका उपयोग किया गया, यहीं पे उसको सिखाया गया। धन्यवाद गुरु जी, बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प कहानी आज गुरु जी ने हमें बताई। ये तो हमने बस संजीवन मृत विद्या का ये जो मंत्र के बारे में सिर्फ सुना था, इस जगह के बारे में सुना था, लेकिन आज गुरु जी के माध्यम से हमें इसका साक्षात दर्शन भी हुआ और उसका जो साक्षात्कार है वो भी मिला। इसलिए मैं गुरु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी जो जो भी दर्शक इसको देख रहे उनसे मैं विनंती करूँगा कि आप भी एक बार महत शिरडी से 14 किलोमीटर पर आइए और इस संजीवन विद्या का जो पार है उसका दर्शन कीजिए और इसका जो सकारात्मक ऊर्जा का जो अनुभव है वो आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। तो चलिए अब तक के लिए बस इतना ही, लेकिन शिरडी के साईं बाबा से जुड़ी हुई कई रोचक तथ्य और रोचक कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।